सवाल नंबर एक, बनी इसराइल ने गाय के बछड़े की पूजा कितने दिनों तक की? आपके ऑप्शन है ये, ए 7 दिन, बी 15 दिन, सी 40 दिन, डी 70 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। बनी इसराइल ने गाय के बछड़े की पूजा 40 दिनों तक की। जंगे उहुद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर कितने जख्म आए थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 7, बी 10, सी 13, डी 16। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जंगे उहुद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर 16 जख्म आए थे। सवाल नंबर दो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज किस मस्जिद में पढ़ते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए मस्जिद नबवी, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद आयशा, डी मस्जिद मुअल्ला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज मस्जिद मुअल्ला में पढ़ते थे। सवाल नंबर तीन, खानाए काबा का दरवाजा सबसे पहले किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत अब्दुल मुतल्लिब, बी अबू तालिब, सी कसी बिन कुलाब, डी अबू कासिम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। खानाए काबा का दरवाजा सबसे पहले कसी बिन कुलाब ने बनवाया था। सवाल नंबर चार, अव्वल उल मुरसलीन के लकब से किस नबी को पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत नूह अलैहि सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम, सी हजरत ईसा अलैहि सलाम, डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वल उल मुरसलीन के लकब से पुकारा जाता है। सवाल नंबर पाँच, किस पैगंबर की वफात के बाद बनी इसराइल गुलाम बने थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल गुलाम बने थे। सवाल नंबर छः, खत्म नबुवत का जिक्र किस सूरह मुबारक में आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए सूरह यासीन, बी सूरह मुल्क, सी सूरह अहजाब, डी सूरह माईदा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, खत्म नबुवत का जिक्र सूरह अहजाब में आया है। सवाल नंबर सात, कितने मुस्लिम मुल्कों की कौमी जबान अरबी है? आपके ऑप्शन है ये, ए 16, बी 20, सी 26, डी 40। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, 26 मुस्लिम मुल्कों की कौमी जबान अरबी है। सवाल नंबर आठ, आखिरी सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया था? आपके ऑप्शन है ये, ए कौम समूद, बी कौम आद, सी कौम बनी कतूरा, डी कौम बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, आखिरी सबसे बड़ा अजाब कौम समूद पर आया था। सवाल नंबर नौ, किस नबी की कौम के 330 लोग खंजीर बन गए थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के 330 लोग खंजीर बन गए थे। सवाल नंबर 10, फिरौन को किस रंग का लिबास सबसे ज्यादा पसंद था? आपके ऑप्शन है ये, ए सफेद, बी काला, सी लाल, डी पीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, फिरौन को काला लिबास पहनना सबसे ज्यादा पसंद था। सवाल नंबर 11, किस खलीफा के दौर में अरब यहूदियों से खाली था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अरब यहूदियों से खाली था। सवाल नंबर 12, सबसे आखिर में किस फरिश्ते को मौत आएगी? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, सी हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत रियाफील अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सबसे आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल नंबर 13, किस नबी ने अल्लाह तबरक व तआला को ख्वाब में देखा था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबरक व तआला को ख्वाब में देखा था। सवाल नंबर 14, किस नबी की कौम अल्लाह तबरक व तआला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह तबरक व तआला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी। सवाल नंबर 15, घर में चींटी आना किस बात की अलामत है? आपके ऑप्शन है ये, ए फरिश्ते आने की, बी घर में खैर व बरकत की, सी गरीबी आने की, डी जिन्नात आने की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जिस घर में चींटियां आती हैं उस घर में खूब खैर व बरकत होती है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी के खेत में जो फल लगता है या गेहूं चावल या जो भी कोई चीज लगती है और उस खेत की चीजों को परिंदे या कीड़े मकोड़े खाते हैं तो उस शख्स को अल्लाह तबरक व तआला सदके का सवाब अता फरमाता है और उसके काम कारोबार में खूब खैर व बरकत होती है। इसी तरह से अगर चींटियां हमारे घरों में आती हैं और हमारे घर से आटा चीनी या जो भी कोई चीज खाती है तो वो खाने के बाद अल्लाह तबरक व तआला से उस घर की खैर व बरकत के लिए दुआ करती है कि या अल्लाह तूने इस घर के जरिए हमारा पेट भरा, इस घर में खूब खैर व बरकत अता फरमा, तो उस घर में अल्लाह के फजलो करम से खूब खैर व बरकत होती है। अगर आपके घरों में भी चींटियां आती हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ना मारें।